सैंडी ओ मंडी। कल्याणा जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। और पिलाओ इसे चाय, ये तो कब कभी लग गई है। क्या हो गया बिल्ला साहब? अब मैं तुम्हें रुलाऊंगा। ओह, और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाँ जी। और ये मेरे कान क्या देख रहे हैं, और ये मेरी आंखें क्या सुन रही हैं? आपके कान देख रही हैं और आंखें सुन रही हैं। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ओहो, कौन सी तब्दीली? यही तो तब्दीली है कि आपकी आंखें सुन रही हैं और कान देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये तो अपने वजीरे आजम जैसा लग रहा है। आपको नहीं पता ये कितने सादा है, खुद ही चले आए। और ये तो प्रोटोकॉल के शुरू से ही खिलाफ है। अच्छा अच्छा, वो टीवी पर तो बड़े अच्छे से नजर आते हैं, वो तो मेकअप शेकअप करते होंगे ना। ओए अब मैं रुलाऊंगा तुम्हें। और मेरा मतलब है आप मेकअप शेकअप नहीं करते हैं। और सैंडी मैंडी क्या हाल है तुम्हारा? हम ठीक हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको जहमत दी हमने। ओहो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है, अब बस तुमने जाने का किराया देना मुझे। किराया? इनका मतलब है कि फजूल खर्ची नहीं करते ना बिल्कुल भी सरकारी खजाने से, जहाँ जाते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, फिर तो जरा और करीब होके बैठे जनाब, मेरा मतलब है नेड़े होके नेड़े। अब मैं रुलाऊंगा तुम्हें। सर ये बिल्ला साहब है, इन्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है वजीर आजम बनाने का झांसा देकर। अच्छा, तो इन्हें भी बेवकूफ बना दिया झांसा देकर? अब सर ये बहुत अच्छे आदमी है। जी जी, इसीलिए हम चाहते हैं आप वजीर आजम ही रहें, लेकिन इन्हें कोई वजीर शजीर ही बना दे। अब मैं रुलाऊंगा तुम्हें। मेरा मतलब है कि ऐसे नहीं होता, हमने 22 साल इसके लिए जिद्दोजहद किया है, पहले आपको सियासी शख्सियत बनाएंगे, फिर आपको को वजीर बना देंगे। और सैंडी जी, आप तो कह रही थी कि आपकी बहुत मानते हैं ये। अरे सर, हर चीज का एक तरीका होता है ना, ये आपको सबसे पहले प्रमोट करेंगे, आप मशहूर हो जाएंगे और फिर आप खुद खुद ही वजीर बन जाएंगे। और कितनी समझदार लड़की हो तुम, देखो मैंने समझदार और लड़की एक साथ बोल दिया। ये भी चलेगा सर। और सर जी, मैं एक सेल्फी ले लूं जी। अब मैं रुलाऊंगा तुम्हें। सर कितना रुलाएंगे, उसके तो आंसू खत्म हो जाएंगे। ओहो, तुम तो चुप करो। और बेवकूफ लड़के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सेल्फी नहीं बनाता, लोग फिर इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने फेसबुक पे लगा लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि हम एक ग्रुप फोटो बनाते हैं। वाह जी वाह, आप कितने अच्छे आदमी हैं जनाब। ओए आप तो महान है जनाब, महान। मैं तो समझता हूँ जी आप दरवेश सिफ्त वजीर आजम है। वैसे मैं वजीर बन जाऊंगा ना। और मैं रुलाऊंगा तुम्हें जी। और मेरा मतलब है हम यही तो तब्दीली लाना चाहते हैं कि हम आम आदमी को पावर में लाएं। और मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा जी, अपनी बात कर रहा हूँ अपनी। ओहो, खान साहब का भी तो यही मतलब है। अच्छा, ओए अब तो जनाब मैं ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा आपको कि आप भी क्या याद करेंगे। मतलब तुम मुझे रुलाओगे? मेरा मतलब है मसलन मसलन मसलन। ओ सैंडी जी, मसलन क्या? ओहो सर, ये बहुत जीनियस इंसान है, इनकी सारी जिंदगी भैंसों में गुजरी है, बचपन में भैंसों के साथ लुक्कन मिट्टी खेलते थे, इधर से उधर निकल जाते थे, आजकल तो भैंसों के ऊपर बैठ के उनको नहलाते हैं। इनके पास कितनी भैंसे हैं? कितनी भैंसे हैं बिल्ला साहब? ओ जी, अपने पास अभी भी खैर से 500 मज है, 500, और जिसमें से अंधी बिक गई है, और बाकी तो है ना। पर तुम लोग मुझे भैंसों का क्यों बता रहे हो? ओहो छोड़े छोड़े, इस टॉपिक को बंद करें, अब हम इन्हें सियासी शख्सियत बनाना शुरू कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू कर दें, लेकिन इनसे कहें हमारी पार्टी को कुछ चंदा भी दें। चंदा? हाँ सर बिल्कुल देंगे ना चंदा, ये तो बड़े खुले दिल के इंसान है। फिर मैं रुलाऊंगा,
मेरा मतलब है हमें दिल्ली चाहिए, हमें चंदा चाहिए। जी जी जी, आप फिक्र ना करें जनाब, चंदा ये देखेंगे, ये चेक। मैं तो कहता हूँ कि सेल्फ ले ले, सेल्फ। ये ले जनाब, अब मैं रुलाऊंगा तुम्हें। जी, और मेरा मतलब है, वेल डन, वेरी गुड। आप आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए, आप आइए, आप आइए। एक और चाय। ओहो, चेक तो दो ना मुझे। ओ, ये तो उसने मुझे दिया है। नॉर्मल हो जाओ, हमने तुम्हें एक्टिंग के लिए हायर किया है, पर हमारा आके। अच्छा, ये लो, बड़ी चलाक हो भाई तुम। ओ, पर मुझे किराया तो दो। फिर वही दे देते हैं, सबर करो। ओहो, इस पर तो वजीर आजम साहब का नाम लिखा हुआ है। ओए, अब मैं रुलाऊंगा तुम्हें। क्या? मेरा मतलब ये कैश का नहीं है? नहीं, मैं उनसे कहूंगी कि वजीर आजम साहब ने चेक वापस कर दिया, आप हमें कैश ही दे दे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मेरा हिस्सा? तुमने बताया तो है, तुमने पर डे काम करने दिहाड़ी पे। अरे दिहाड़ी पे हार किया, मैंने ईंटें कोठे पे चढ़ानी है, मैंने रेडी लगानी है। क्या मैं वेल्डिंग करने आया हूँ? एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, एक्टिंग करना। ये पार्टी हमारी है, इस पर हमारा आके। और मैं रुलाऊंगा तुम्हें। क्या मेरा मतलब है, मुझे किराया तो दो। लाती हूँ लाती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और कोई तब्दीली नहीं आई, सब वैसे के वैसे ही हैं। और जरा वजीर आजम की सीट पे बैठ के देख कि तू कैसा लगता है। ये बात, वो ऐसे होता है ना उनका मफलर, ये हुई ना बात। ये बात, वाह जी वाह, ले ले बिल्ले, वाह। ये बात, आहा, और काश मैं छोड़ा था जी उनको। किनको? ओ, वजीर आजम साहब को। अब नहीं, आप रास्ते में लंबी लंबी छोड़ेंगे। ओ नहीं जी नहीं, ओ मैं तो उनको वहां तक पहुंचा के आता। फिर आपको कौन छोड़ता? ओ, मेरा मतलब है उनके घर तक। नहीं नहीं नहीं, अब मेरा मतलब है वो सादा आदमी है, वो तो हमारे पास आते हैं तो छुप कर आते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना कोई वजीर आजम आता है किसी के घर। और आपने बिल्कुल करेक्ट बात की है जी, बड़े ही अच्छे आदमी है, पर अब मैं बड़ा पछता रहा हूँ जी वोट ना देकर। वैसे पछता तो हम भी रहे हैं। अच्छा जी, आपने भी उनको वोट नहीं दिया था? हमने तो दिया था, लेकिन आप छोड़े इन बातों को, आप मुझे ये बताएं कि आपने उनकी बातें गौर से सुनी है ना, उन्होंने जैसा कहा है उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। और बिल्कुल ठीक बात की थी जी उन्होंने, और जब बंदे ने किसी जॉब पर आना हो तो पहले ट्रेनिंग श्रेनिंग होनी चाहिए। वैसे उन्होंने पहले ट्रेनिंग नहीं ली थी? कैसी बातें कर रहे हैं आप, 22 साल से उनकी ट्रेनिंग ही तो हो रही थी। और ये बात तो आपने बिल्कुल करेक्ट की है जी। अब मैं आती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है। लवे मिलो शहजादे, यहाँ पे बनता है गुजरावे, ओ गुजरावे, कल्याण जाना साडे नाल नाल चलो जी, बुरा है जमाना साडे नाल नाल चलो जी। सैंडी, तुम यहाँ आ गई हो, उसे अकेला छोड़ दिया है। क्यों? वो कोई बच्चा है, उसे डर लगता है, वो तो खुद एक बिल्ला है। मेरा मतलब है वो फील करेगा ना यार। अरे छोड़ो उसे, चेक ले लिया तुमने उससे? चेक ले भी लिया और चेक भी कर लिया है, उसने वरनेम इमरान खान चेक दिया है। सिंडी, वैसे तो तुम बहुत होशियार बनती हो, तुमने उसे बताना था ना कि कैश का चेक देता। तुम टेंशन ना लो, बिल्ला अभी बहुत कैश निकालेगा। अब इस चेक का क्या करूंगी, मुझे सोचने दो यार। ओए, मैं मुल्क पाकिस्तान दा वजीर आजम बनते हुए खुदा को हाजर नाजर जानकर यह इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साडा गुजर आवे आवे, साडा गुजर आवे आवे, ओ तेरे आन दे खड़ाक बड़े होनगे, ओ तेरे आन दे खड़ाक बड़े होनगे, मजे ते माया मजे ते माया होन आनगे, मजे ते। बिल्ला साहब,
आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं सैंडी जी, आप गलत फहमी का शिकार हो गए। वो मैं तो जी हलफ उठाने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओ जी वैसे ना, मैं जब भी हलफ उठाने की प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मेरे मुंह से गाना निकल आता है। अगर आपकी ऐसी हरकतें रही ना, तो लोगों का आप पे हंसा निकल जाएगा और फिर आपको कुमार से निकलना पड़ेगा। नहीं, मैंडी जी ऐसी बात ना करें। मैं गाने पे कंट्रोल रखूंगा जी, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल करना है। ठीक है सैंडी जी, मैं गाना कंट्रोल रखूंगा जी। मदद ते माया तंग स्लिप जी, तंग स्लिप मदद ते। ਓ ਤੇਰੇ ਆਨ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਓ ਤੇਰੇ ਆਨ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਓ ਮਦਦ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਣਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਸੈਂਡੀ ਜੀ ਕੈਸੀ ਆਪ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਓਏ ਸੈਂਡੀ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਤੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਏ ਏਕ ਪਰਾਡੋ ਪਹਿਲੇ ਥੀ, ਏਕ ਅਬਲੀ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾਏ ਆਪ। ਲੈ ਜੀ बैठ गया बिल्ला शहजादा बकल्लम खुद। वैसे ये बताइए, क्या कह रहे थे वजीर आजम साहब बिल्ला शहजादे के बारे में? आपको बताया तो था कि पहले आपको एक मशहूर सियासी शख्सियत बनाना पड़ेगा। छोड़ो जी, और मैं बड़ा सियासी हूँ जी, बड़ी चलाकियां जानता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चूट छूट भी सीख जाऊंगा। आप समझ नहीं रहे, आपके बयानात अखबारों में लगने चाहिए मोटी मोटी सुर्खियों के साथ। है जी, और ना जी ना, ये सुर्खी सुर्खी मैं नहीं लगाता, हर बिल्ला शहजादा मर्द आदमी है। अरे मैं वो सुर्खी की बात नहीं कर रही, मैं हेडलाइंस की बात कर रही हूँ। और आपका फेसबुक और ट्विटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओ बस कर दे जी, और जो अभी मुझे मिलता है और मेरा अकाउंट बनाता जा रहा है, और पहले ही मेरे 4 बैंक अकाउंट है, वो ठीक नहीं है। मैं उस अकाउंट की बात नहीं कर रही, आपको मशहूर करना है, आप एकदम सामने आ जाएंगे दुनिया के। अच्छा, वो कैसे? ये तो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, वो चेक वजीर आजम ने वापस कर दिया है। वाह वाह वाह, वो कितने अच्छे हैं वजीर आजम साहब। वो मैं जानता था कि उनको पैसों शैसों की जरूरत नहीं है, लाएं दें चेक, मैं रख लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है उनको कैश देंगे। और छड़े जी, और जब वो नहीं ले रहे तो फिर आपने जरूर बिल्ले का नुकसान करवाना है। हाँ? अरे नहीं नहीं, चंदे की बात कर रही हूँ, वो सोशल वर्कर है ना, गरीबों की मदद करते हैं, उनको कैश देंगे हम खुद। अच्छा अच्छा, आप कितनी अच्छी हैं सैंडी जी, आप खुद देंगी? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी हैं आप। देखें बिल्ला साहब, आप इतने भी सियासी ना बने कि अभी से हमारे ही नुकसान शुरू कर दें। ओ ना सैंडी जी ना, ओ नाराज ना हो, ओए हम कैश वैश भी दे देंगे, इसमें फिक्र वाली बात ही नहीं है। बस आप सिर्फ ये बताइए कि ये मशहूर कैसे होना है? ओए आपको तो पता ही है, एक पराडो पहले थी, एक अबली है और एक आने वाली है। बस कर दे, मुझे सोचने दे। और सोचना आपने है, मेरी पराडो तो आने वाली है। देखे, बंदा उस वक्त ज्यादा मशहूर होता है जब वो कत्ल हो जाए। जी, और कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्ला साहब, आप समझ नहीं रहे, जरा सोचे, बहुत खबरें लगेंगी आपकी। कातिल पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, मार दिए गए, ओफो, बहुत ही मशहूर हो जाएंगे आप तो। और मैं कत्ल होने के बाद वजीर कैसे बनूंगा? और सैंडी जी, आप कुछ और सोचे। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, और दूसरा आइडिया ये है कि आप अगवा हो जाए। हैं जी, और मुझे अगवा करके कोई क्या करेगा? वैसे ठीक ही बात है, हैं तो आप बिल्कुल बेकार ही आदमी। और ना करे सैंडी जी, वो एक पराडो पहले थी, एक अबली है और एक आने वाली है। वैसे आप कोई आसान सा तरीका बताए। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, हम अगवा हो जाते हैं, आप हमें बाजियाब करवाइएगा, मेरा मतलब है छुड़वाइएगा, इस तरह भी तो आप मशहूर हो जाएंगे। और इसमें तो फिर बच बचाने के लिए पुलिस बीच में आ जाएगी। कितने समझदार बातें करते हैं वैसे आप कभी कभी, है ना? और बिल्ले को ऐवें ना समझे आप। वैसे आजकल दोस्ती के माहौल का भी तो बड़ा चक्कर है। है जी, ये बात आपने करेक्ट की है, जब आप जैसे दोस्त हो तो माहौल तो बन ही जाता है। अरे मैं वो वाली दोस्ती की बात नहीं कर रही, मेरे कहने का मतलब है एनवायरमेंट, पोल्यूशन, सफाई सुथराई, इन इश्यूज पर काम करते हैं। चलो, अब आप बिल्ले शहजादे से सफाइयां करवाएंगी? पूरी बात तो सुन ले, ऐसा करते हैं,
शहर में बहुत कचरा है, इसके खिलाफ आपकी भूख हड़ताल करवा देते कि ये सारा कचरा साफ नहीं हो रहा। भूख हड़ताल यानी मुझे रोटी छोटी भी छोड़नी पड़ेगी। और राजी ना, और ये जुलम ना करें बिल्ले शहजादे पर। ओहो एवी कह रही हूँ। अच्छा यानी चुप चपीते खाना छाना खा सकता हूँ। ये अच्छी बात है। नहीं नहीं, दो चार दिन तो आपको फाके करना ही पड़ेंगे, शक्ल पर हड़ताल कैसे नजर आएगी फिर। ओहो मेरा मुंह है वो टीवी नहीं जो हड़ताल नजर आएगी। बस अब आपने कोई सवाल नहीं करना, जो हमने कहना है आपने उस पर चुपचाप अमल करना है। ठीक है ठीक है। इसकी कॉल आ रही है। अच्छा आप यहाँ पे बैठे, मैं भी आती हूँ। और भूख हड़ताल करने का जहन बनाए आप। जी भूख हड़ताल करने का जहन बनाए, और मुझे तो ये सोच की भूख लग रही है। वैसे मुझे यकीन है कि ये फोन वजीर आजम साहब का आया होगा। आप बिल्ले शहजादे के बारे में पूछ गिछ कर रहे होंगे। कोई काम शाम भी करोगी या बस कॉल्स और मैसेजेस ही करती रहोगी? स्टोर वाले और अंकल की कॉल आ रही है सुबह से। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम इनकी कॉल क्यों नहीं उठाती हो? उनसे कहो कि हम बाद में पैसे दे देंगे। वैसे स्टोर वाला, दूध वाला, मकान वाले, अयला अगर इनमें से कोई एक बंदा भी उस बिल्ले शहजादे के सामने आ गया ना, तुम्हें पता हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम ऐसा करो उनको फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। बिल्ले शहजादे वो कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी जगह किसी और को वजीर बनवा ले। हैं चल देख जरा, देख मेरे यार। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं सैंडी बोल रही हूँ। जी पेमेंट तो बिल्कुल रेडी है मेरे पास, बस वो आपको पता है ना पिछले दिनों मैंडी और मैं चाइना गए थे। तुम चाइना कब गए थे? जी तो बस उसी वजह से ना मैंडी की काफी तबीयत खराब हो गई है और उसका कुछ असर मुझ पे भी हो गया है, इसलिए कोई भी डॉक्टर कोरोना वायरस के डर से हमारा चेकअप करने आ ही नहीं रहा। क्या तुम जा रही हो? जी जान तो सबको ही प्यारी होती है, तो फिर हम जब ठीक हो जाएंगे ना तो आपकी एक एक पाई आपको लौटा देंगे। बस प्लीज जब तक ना आप हमें राशन भिजवाते रहिएगा, आपको तो पता ही है हम लोग इस वक्त मौत से लड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। ये भी गया। वाह सैंडी तुम तो बहुत तेज हो। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, वो बिल्ला बाहर वेट कर रहा है। हाँ। चलो चलो। हेलो हेलो बिल्ला साहब आप किधर हैं? मैं आपके घर से भाग गया हूं जी। मैं तुड़की लगाकर किसी महफूज जगह पर छुपने की कोशिश कर रहा हूं। ए आप लोग फोन बंद करें जी, और मैंने गंजू को फोन करना है ताकि वो मुझे आकर ले जाए। वैसे एक गल है जी, आपने मुझे सच्ची मुची मारने की कोशिश की है। बिल्ला साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम तो आपको वजीर बनाना चाहते हैं। और जब बंदा बचेगा तो वजीर बनेगा ना, जब मर गया तो वजीर कट्टा दे साहब बनना है। अरे आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए आप चाइना गई थी ना? आपको किसने कहा? ओ मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि आप चाइना गई थी और वहाँ से वो बीमारी लेके आई है जो एक बंदे के सामने दूसरा बंदा सांस ले तो उसको भी लग जाती है। अरे बिल्ला साहब मैं तो मजाक कर रही थी उनसे। और ना जी ना, ओए बिल्ला शहजादा मजाक में भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालता। बिल्ला साहब आप ना वापस आ जाएं और खुद आके चेक कर लें। मुझे माफ कर दो बीबीओ बहनों। वैसे मैं एक काम जरूर कर देता हूँ जी, वो मेरा एक दोस्त हेल्थ वर्कर उसको आपके घर भेजता हूँ। वो आके आपको आपके घर से लेगा और पूरे 14 दिन आपको सबसे वखरा रखेगा और टेस्ट करेगा आपके। और एक बात मैं आपको बता दूं, ओए बिल्ला शक्ल का बुरा हो सकता है मगर दिल का नहीं, बंद करें फोन। ओ संडी मंडी के एडवेंचर रिस्की रिस्की दोनों, दिल अच्छा है ज़मीन तौर पे खिसकी खिसकी दोनों, एक दूसरे
दूजे को सहना पाए, जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो सैंडी।